और आइए सीधे अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी जुट चुके हैं, उनके साथ मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। अंकित कीजिए उनसे बात, क्या कुछ कह रहे हैं सिरसा साहब। बिल्कुल सिरसा जी मेरे साथ में मौजूद हैं और आतिशी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। आतिशी कह रही हैं कि चार नेताओं को और गिरफ्तार करने की कोशिश है, बाकायदा उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, बीजेपी ज्वाइन करो वरना गिरफ्तार हो जाओगे। देखिए कोई नई बात नहीं है, आतिशी जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, पंजाब के मिनिस्टरों, ये सारा यही नौटंकी करते हैं। हमें फोन आ गया, हमारा रिश्तेदार बता गया, जब हम पूछते हैं वो रिश्तेदार कौन है उसका हम नाम नहीं बताएंगे, उसका मोबाइल नंबर वो भी हम नहीं बताएंगे। देखिए अगर ये बात सच है आतिशी जी की, तो आतिशी जी को उसका नाम लेके अभी कोर्ट में चले जाना चाहिए कि देखिए ये फला आदमी मुझे बोल के गया है, फला आदमी ने मुझे बताया इतनी तारीख को मेरे घर पे इतने बजे रेड होने वाली है, और जज अभी इमीडिएटली उनको स्टे देगा कि वो आदमी आके कहेगा जी मुझे फला ईडी के अफसर ने कहा है, तो कैसे नहीं स्टे मिलेगा, क्योंकि फ्रॉड और बेईमानी है। आतिशी जी को, सौरभ भारद्वाज जी को मैं आपके एबीपी न्यूज के माध्यम से जरूर आग्रह कर देता हूं, आतिशी जी आप अपने नालायक रिश्तेदार को भी बता दीजिएगा, हम आप जैसे भ्रष्ट और करप्ट नेता को बीजेपी में लेना तो दूर, हम उनको अपने दफ्तर के आगे से ना निकलने। लेकिन विजय नायर के बयान का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि नहीं यहां पर यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो तो बहुत पहले का बयान है। नहीं नहीं देखिए आप ये गलत कह रहे हैं, मैं आतिशी और सौरभ गलत कह रहे हैं, कल जो कुछ हुआ है वो एक सनसनीखेज आतिशी जी के लिए भी था और सौरभ के लिए था। क्यों था आप सोचिए, कोर्ट के अंदर जब नाम लिया जा रहा था आतिशी जी का और सौरभ जी का, अरविंद केजरीवाल वहीं खड़े थे और आतिशी जी का रंग पीला पड़ गया, आतिशी जी को जवाब नहीं दे पाए और बाहर निकल के आतिशी जी ने किसी मीडिया को ये नहीं बात कही, क्योंकि वो खुद इतने चक्के रह गए कि अब हमें भी इसने फंसा दिया। मुझे लगता है आतिशी जी ने आज दो लोगों को और फंसा दिया और अब सौरभ भारद्वाज दो तीन लोगों को और फंसा देंगे। यानी साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन नहीं किया और ये जो खुलासा हुआ है वो ये चौंकाने वाला है इन दोनों के लिए भी। जी बिल्कुल ठीक है अंकित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।